મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 7 માં વિષયની નીટ સે ભણવાનું છે. ઉસમે હમને ફર્સ્ટ પાર્ટ ચિત્ર કે સંગ સંગ વો પાઠ હમને કલ પઢાયા થા ઓર વો ક્યા હે ચિત્ર પાઠ હે તો ઉસમે ચિત્ર કો દેખ કર હમને ઉસકે વાક્ય બનાયે થે ઓર પ્રશ્ન ફર્સ્ટ ઓર પ્રશ્ન 2 ઉસકે આન્સર ભી મેને આપકો બોલે થે और आप सबको लिखने के लिए कहा था. तो आज हम उसका फिर से एक बार रिवीजन करेंगे. तो चित्र को देखकर उसके वाक्य बनाने में तो यहाँ पे मैंने लिखूंगे वाक्य, तो हम पढ़ेंगे. एक साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. मैं यहाँ पे वाक्य बोलूंगी विद्यार्थी मित्रों, आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में देखने हैं. दूसरा, एक गुब्बारे वाला गुब्बारा बेचने के लिए जा रहा है और उसके गुब्बारे जो है वो हवा में उड़ रहे थे. तीसरा, एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है. क्या है विद्यार्थी मित्रों तीसरा वाक्य? एक कुंजड़ी, कुंजड़ी एटले सब्जी बेचने वाली, एक कुंजड़ी टोकरी में अपनी सब्जियां लेकर उसे बेचने के लिए जा रही थी. चौथा, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है. क्या कर रहा है कुत्ता? एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है. पांच, दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है. देखिए विद्यार्थी मित्रों, चित्र में है जो दुकान है उसका जो डंडा है उससे उस डंडे के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है. सिक्स, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर जा रहा है. देखिए विद्यार्थी मित्रों, चित्र में जो सड़क है ना उस सड़क पे एक व्यक्ति बाइक लेके जा रहा है. सेवन, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है. देखिए विद्यार्थी मित्रों, चित्र में जो बाइक है उसके पीछे रास्ते पर सड़क पर एक रिक्शा जा रही है और रिक्शा में केवल एक यात्री बैठा हुआ है. कितने हैं विद्यार्थी मित्रों? रिक्शे में केवल एक यात्री बैठा हुआ है. एक रिक्शे के पीछे दो कारें हैं. देखिए विद्यार्थी मित्रों, चित्र में रिक्शे के पीछे क्या है? दो कारें हैं जो जा रही है. नाइन, सड़क पर एक मोची अपना सामान के साथ बैठा हुआ है. क्या कर रहा है मोची? सड़क पर एक मोची अपना सामान लिए हुए बैठा हुआ है और वह शायद ग्राहक की राह देख रहा है. क्या कर रहा है वह आदमी मोची? शायद वह एक ग्राहक की राह देख रहा है. तो ये है चित्र के वाक्य विद्यार्थी मित्र. आपको इसके ऊपर से प्रश्नों के आंसर लिखने थे. तो हमने प्रश्न एक और प्रश्न टू वो फिनिश किया था. अब है स्वाध्याय. तो स्वाध्याय में आंसर हम देंगे. एक, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. एक, रबर से बनी हुई चीजों के नाम लिखिए. क्या कहा है विद्यार्थी मित्रों प्रश्न एक में? रबर से जो चीजें बनती है उसके नाम हमें लिखने है. तो रबर से क्या क्या बनता है विद्यार्थी मित्रों? गेंद, तरह के टायर, पेंसिल का रबर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए वो रबर बनता है ना विद्यार्थी मित्रों, तो वो रबर, रबर पेन आदि चीजें रबर की टायर से बनी हुई होती है. फिर से विद्यार्थी मित्रों, गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए रबर, रबर पेन वगैरह आदि चीजें रबर से बनती है. टू, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? जब टायर फटा उसके पहले क्या हो रहा था विद्यार्थी मित्रों? तो हमने ये लिखा है ना टायर फटने से पहले के जो वाक्य है ना वो वाक्य के आंसर उसमें आएंगे. तो साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा था. एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. एक कुंजड़ी
टोकरी में सब्जियां लेकर उसे बेचने के लिए जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में सो रहा था। दुकान के डंडे पर तोता बैठा हुआ है। सिक्स, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शा में केवल एक यात्री बैठा हुआ है। एट, रिक्शे के पीछे दो कारें जा रही है। सड़क पर एक मोची अपना सामान लिए हुए बैठा हुआ है। वह शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो ये प्रश्न उनका आंसर है विद्यार्थी मित्र, तो ये आपको लिखना है। प्रश्न थ्री, टायर क्यों फटा? टायर क्यों फटा विद्यार्थी मित्रों? तो उसका आंसर है, टायर पुराना था इसीलिए अधिक हवा भरने की वजह से टायर फट गया। और टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? जब टायर फटा विद्यार्थी मित्रों, तो उसके बाद क्या हुआ? तो हमने ये ऊपर है ना चित्र, वो हमने उसके वाक्य बनाए, तो उसका आंसर इसमें आएगा। तो मैं उसका आंसर कहती हूँ। तो चित्र को देखिए विद्यार्थी मित्रों, टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। बे कुंजड़ी के सिर पर जो टोकरी थी वो टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर इधर उधर बिखर गई। तीन, डंडे पर बैठा हुआ तोता इधर उधर उड़ने लगा। चार, गुब्बारे छुटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता उठकर वहां से भागने लगा। तो ये था प्रश्न 4 का आंसर। अब है प्रश्न 2, पेज नंबर 3। निम्नलिखित परिच्छेद का पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो क्या है, यहाँ एक फकरा दिया गया हुआ है, तो वो फकरा पढ़कर हमें उसका आंसर लिखना है। तो हम अब पढ़ते हैं, देखिए विद्यार्थी मित्रों। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वह तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदान, तुम घर नहीं गए क्या? प्रश्न पूछा है उसने। बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्यों? वह नम्रता पूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। क्या कहा उसने? गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। क्या कहा उसने? मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। तो विद्यार्थी मित्रों, उसका उत्तर लिखना है हमें, उसका सुलेखन कीजिए। तो उसका उत्तर आएगा, सुवाच्य और सुंदर अक्षरों में यह परिच्छेद अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये है हमको उसका, ये जो फकरा है उसका हमें पढ़कर उसको सुवाच्य अक्षर में सुलेखन करवानो छे। फिर प्रश्न 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है, ढूंढ कर बताइए। क्या है विद्यार्थी मित्रों? दो चित्र दिए हैं, दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है वो हमें देखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ जो चित्र है उसका, दोनों चित्र में क्या क्या अंतर है, जो अंतर है उसका ऊपर क्या करना है, सर्कल। तो आपको ये अपने आप से करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 वो दोनों कंप्लीट किए हुए हैं। आज का वीडियो यही सब था विद्यार्थी मित्रों। कैसा विद्यार्थी मित्रों?